आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तारी कर्नाटक में किसी संबंधी कंपनी से लेन देन के कारण हुई है। इसी बीच आपको बता दें, अब केजरीवाल ने भी इस मसले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और जनता के आगे आकर अपना संबोधन दिया है। बता दें, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को एक राजनीतिक हथकंडा बताया है। उन्होंने कहा है कि सत्येंद्र जैन पूरी तरह बेकसूर है और हम अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है। आगे आपको बता दें, केजरीवाल ने मंगलवार को कहा है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से सत्येंद्र जैन की ईडी द्वारा गिरफ्तारी मामले का अध्ययन कर लिया है। यही आपको बता दें, आगे केजरीवाल ने कहा है कि ये पूरी तरह धोखाधड़ी है। हम ना तो भ्रष्टाचार करते हैं और ना ही भ्रष्टाचार सहन करते हैं। हमारे पास एक बहुत ईमानदार सरकार है। मुख्यमंत्री ने ईडी की इस कार्यवाही को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से जोड़ते हुए कहा है कि जैन को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया है। हमें अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।